अब जो है हम सवाल नंबर जो आगे चल रहे हैं, तकनीकी खराबी के कारण भाग हमारा वही चल रहा है जो पीछे चल रहा था। अब सवाल नंबर 9 देखिए, इसमें जो है हम सवाल किताब से देख रहे हैं। चित्र में ओ ई किरण कोण ए ओ बी की समद्विभाजक है तथा ओ ई की विपरीत किरण है, सिद्ध कीजिए कोण एफ ओ बी बराबर एफ ओ ए। चित्र भी बना है, इसमें हमने बोर्ड पर भी बना दिया है। इसमें जो है इस सवाल में सिद्ध करना है कुछ, तो सिद्ध करने वाली सवाल कक्षा 8 में कम है, एक तो है नहीं, बहुत कम है और बहुत कम ध्यान दिया जाता है। अब ये पहले उसमें देख रहे हैं, चित्र बना दिया है हमने, तो इसमें जो है 2-3 बातें दी हुई हैं। जो बात दी रही, जो जो सवाल में दिया रहता है वो ज्ञात में लिखा जाता है। इसमें जो है ओ ई किरण कोण ए ओ बी की समद्विभाजक है, ये भी दिया गया है, ये चीज पता है। और दूसरी बात ये पता है कि ओ एफ ओ ए की विपरीत किरण है, ये ज्ञात में लिखते हैं। और जो सिद्ध करना में लिखा जाता है, वो जो पूछा गया है कि इस समय मान किसका निकालना है, वो सिद्ध करना में लिखना है। तो इसमें जो है सिद्ध करना में हम लिखेंगे कोण एफ ओ बी बराबर कोण एफ ओ ए, ये हमें सिद्ध करना है। इसके बाद जो हल करेंगे उसको हम उपपत्ति में लिखते हैं, रेखागणित के उसमें उपपत्ति में क्या है, जो हमें ज्ञात में दिया गया है वहीं से हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है, ज्ञात में जो दिया गया है सवाल में भी दिया है, ओ ई किरण कोण ए ओ बी की समद्विभाजक है। ओ ई किरण देखिए, चित्र में ओ ई किरण ये है, यहाँ से ओ ई और इस कोण की समद्विभाजक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये कोण बी ओ ए या ए ओ बी कोण है, ओ ई इसकी समद्विभाजक है। तो जो ये कोण बनेंगे ए ओ ई और एक बी ओ ई, ये दोनों बराबर बराबर होंगे क्योंकि ये समद्विभाजक रेखा है। तो जितने अंश का ये कोण होगा उतने ही अंश का ये होगा, तो जो कोण 1 और 2 है ये दोनों आपस में बराबर होंगे। वही हमने यहाँ पर लिखा है, कोण बी ओ ई बराबर कोण ए ओ ई, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, ये हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। दूसरी बात दी गई है ओ एफ ओ ए ओ ई की विपरीत किरण है। जब विपरीत किरण है तो इसमें भी देखो, एक तरफ जो कोण बनते हैं इस तरह से कोण दिए गए हैं, एक कोण इस तरह से जो ये कोण दिए हैं ये रेखीय युग्म कोण है या सरल रेखा बन जाती है। तो ये इन दोनों कोणों का योग हमारा 180 अंश होगा। इसमें 2 कोण बन रहे हैं, एक कोण दिया है एफ ओ बी और एक है बी ओ ई, इन दोनों कोणों का योग 180 भी हमने लिखा है समीकरण में। कोण एफ ओ बी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 180, ये हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। इसी तरह से नीचे जो कोण बन रहे हैं, ये नीचे जो कोण दिए गए हैं इस तरह से, इसमें भी जो हमारा ये कोण पूरा बना हुआ है, ये और एक कोण ये, इन दोनों कोणों का योग भी 180 अंश होगा। इसका नाम होगा एफ ओ ए प्लस कोण ए ओ ई, ये हमने यहाँ पर भी लिखा है, कोण एफ ओ ए प्लस कोण ए ओ ई बराबर 180, समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब हमें देखना ये है, अब हमें हल करना है। तो जो समीकरण नंबर 2 और 3 है इन दोनों का योग 180 है, तीसरे में भी दोनों का योग 180 है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि इन दोनों का योग 180 है। तो लिख देते हैं समीकरण 2 और 3 से ये मान और ये दोनों आपस में बराबर होंगे, कोण एफ ओ बी प्लस कोण बी ओ ई बराबर कोण एफ ओ ए प्लस कोण ए ओ ई। इसके बाद अब हम बी ओ ई का मान निकाल चुके हैं समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 में लिखा है कोण बी ओ ई बराबर कोण ए ओ ई, हम बी ओ ई की जगह ए ओ ई मान रख देते हैं, तो कोण एफ ओ बी वही रखेंगे प्लस बी ओ ई का मान हमने रख दिया ए ओ ई बराबर कोण एफ ओ ए प्लस कोण ए ओ ई। यहाँ पे लिख देते हैं मान हमने कहाँ से रखा है, बी ओ ई का मान समीकरण नंबर 1 से हमने मान रखा है। इसके बाद अगर दोनों पक्ष बराबर हैं तो काट देते हैं, ए ओ ई यहाँ है और यहाँ दोनों काट देंगे, सिर्फ हमारा बचेगा कोण ए एफ ओ बी बराबर कोण एफ ओ ए, यही हमें सिद्ध करना था। ये सवाल नंबर हमारा पूरा होगा। देखिए सवाल नंबर 10, चित्र भी बना है और हमने सवाल भी लिख दिया है। चित्र में कोण ए ओ सी तथा कोण ए ओ बी में प्रत्येक समकोण है,
सिद्ध कीजिए बी ओ सी एक रेखा है। तो देखो हमें इस सवाल में ये दिखाना है कि बी ओ सी सरल रेखा है। बी ओ सी जब सरल रेखा, जब हम कोई चीज रेखा सीधी दिखाते हैं तो हमें ये दिखाना पड़ेगा कि जो ये कोण बन रहे हैं एक साइड ये वाले, इनका योग हमें 180 अंश आना चाहिए, क्योंकि 180 अंश होता है तभी एक रेखा होती है और वो एक किरण इस पर खड़ी होती है। तो सबसे पहले इसमें जो दिया है, हम यहाँ ज्ञात नहीं लिख रहे, इसमें लिखा है AOC और AOB में प्रत्येक समकोण है। समकोण का मतलब होता है 90 अंश। तो इसमें मान दिया है जो AOC बराबर 90 अंश कहा है उसने, और AOB का मान भी 90 कहा है। ये दोनों मान 90-90 के दिए गए हैं, क्योंकि AOC और AOB प्रत्येक समकोण है। हमने लिख दिया है कोण AOC बराबर 90 और कोण AOB बराबर 90। इसके बाद अब हमें ये दिखाना है कि BOC एक रेखा है। तो BOC जो रेखा है इसमें इस तरफ जो है ये हमारी OB और OC ये विपरीत किरण है तभी होंगी जब हम 180 अंश इसका योग दिखा दें। तो इसमें दो कोण बन रहे हैं, एक हमारा बन रहा है AOB, ये निकाले कितना है। पहली बात तो हम ये देखें कि BOC जो ये कोण बन रहा है ये कितने अंश का है। तो इसमें हम ये लेके चलेंगे कोण BOC, देखें कितने अंश का है। BOC बराबर हमें जो है इसमें देखना है कितने कोण सम्मिलित हैं। एक कोण हमारा AOB, इसमें दो कोण सम्मिलित हैं AOB प्लस कोण, एक कोण सम्मिलित है AOC। AOC बहुत सरल सवाल है ये, इसमें दो कोण सम्मिलित थे, दोनों हमने लिख दिए। एक कोण ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, दोनों हमने लिख दिया है कोण AOB प्लस कोण AOC, और हमें मान रख देना है AOC का मान भी 90 अंश, AOB का मान 90 दिया है और AOC का मान भी 90 है। तो जो कोण BOC हमने निकाला है मान, ये हमारा 180 अंश है। अगर ये 180 अंश आ रहा है BOC का मान, तो OB और उसी ये विपरीत किरणें होंगी। जब विपरीत किरणें होती हैं और योग 180 है तो निश्चित है कि BOC एक सरल रेखा होगी। इसलिए सीधे लिख देते हैं कि BOC एक रेखा है, एक रेखा है, और यही हमें इसमें सिद्ध करना था। कि सवाल नंबर हमारा पूरा होगा। हाँ देखिए, अब सवाल नंबर इसका 11 चित्र बना दिया है हमने। सवाल देखिए किताब से, किताब में दिया है, चित्र भी बना है। ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी और ओ ई किरणों का एक ही सीमांत बिंदु ओ है, और फिर सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी प्लस कोण सी ओ डी प्लस कोण डी ओ ई प्लस कोण ई डी ए बराबर 360। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए सवाल नंबर, इसको आप बोर्ड पे देखिए, चित्र में चित्र दिया नहीं गया है, चित्र हमें जो सवाल में कहा गया है उसके उसको देख कर सवाल पढ़कर चित्र बनाना है। इसमें कहा गया है कि ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी और ओ ई किरणों का एक ही सीमांत बिंदु ओ है। सीमांत बिंदु जो होता है, जितने भी किरणें होती हैं एक ही बिंदु से होकर जो अगर निकल रही हैं, दो या दो से अधिक, तो उसको सीमांत बिंदु कहते हैं। वो सीमांत बिंदु है, और उसने एक बात और भी उसमें कहा है कि इसकी विपरीत किरण बनाना है। तो ओ ए की हमने विपरीत किरण खींची है, ओ ए डैश ये विपरीत किरण है, और ओ बी ओ सी ओ डी हमने नीचे कर दिया है, ओ ई ये हमारी किरणें हैं जो बिंदु ओ पर मिलती हैं, और इसको सीमांत बिंदु ओ कहेंगे। तो ज्ञात में हमें सिर्फ यही लिखना है कि ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी और ओ ई किरणों का एक सीमांत बिंदु ओ है। सिद्ध करना है, सिद्ध हमें ये करना है, सिद्ध करना जो सवाल में कहा गया है कि ये निकालिए या ये हल कीजिए, वो सिद्ध करना में लिखा जाता है। तो सिद्ध हमें करना है कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी प्लस कोण सी ओ डी प्लस कोण डी ओ ई प्लस कोण ई ओ ए बराबर 360। इसके बाद रचना में जो करना है, रचना में हमें इतना और बढ़ा देना है कि जो हमने विपरीत किरण खींची है इसको हम रचना में लिख देते हैं, वो ओ ए की विपरीत किरण ओ ए डैश खींची, ये हमें रचना में लिख देना है। अब आइए उपपत्ति पर। उपपत्ति इसकी बहुत सरल दी गई है, क्योंकि कहीं भी अगर चित्र बना है और उसने कह दिया है कि ये
ओ ए विपरीत किरण अगर शब्द आ रहा है तो ओ ए और ओ ए डैश की विपरीत किरण है, तो जो इस तरफ के जो ये कोण बनते हैं सभी कोणों का योग 180 अंश होता है, क्योंकि विपरीत किरण है। जब विपरीत किरण एक सीधी सरल रेखा होती है, सीधी सरल रेखा पर ये सभी कोण रेखा के योग बनाते हैं। तो हम यहीं से शुरू करते हैं कि कोण ए ओ बी, ये कोण हमने नाम भी लिख दिया, इस कोण का एक रोल नंबर नाम दे दिया, इसका दो है, इसका तीन है, इसका चार है, चार कोण इसमें बन रहे हैं, चारों कोणों का योग 180 हो जाएगा। तो समीकरण नंबर एक हम बनाएंगे, पहले हम यहीं से लिखेंगे कि ओ ए और ओ बी, ये ओ ए और ओ ए डैश विपरीत किरणें हैं, ये विपरीत किरणें हैं, और जब विपरीत किरणें हैं तो इनका जो योग होगा एक साइड में 180 होगा। चाहे हम लिख सकते हैं कोण एक प्लस कोण दो प्लस कोण तीन प्लस कोण चार बराबर 180, या उनके नाम लिखे जा सकते हैं। अगर हम नाम लिखेंगे तो कोण एक का नाम लिखा जाएगा कोण ए ओ बी, कोण एक का नाम है, दो का नाम क्या है बी ओ सी, कोण बी ओ सी प्लस, इसके बाद तीसरा जो कोण है उसका नाम होगा सी ओ डी प्लस, चौथा जो नंबर दिया है डी ओ ए डैश, इसका नाम हो जाएगा कोण डी ओ ए डैश बराबर 180। ये हमारा समीकरण नंबर बन गया ये। इसके बाद अब हम नीचे भी वही चीज देखेंगे, इस तरफ भी ये जो कोण बन रहे हैं, दो कोण बन रहे हैं हमारे, हमने नाम लिख दिया है कोण पांच और छह, इनका योग भी 180 अंश होगा, क्योंकि ये विपरीत किरणों में ही बन रहे हैं नीचे की ओर। तो इनमें हम लिखेंगे कोण ए डैश ओ ई, ये कोण नंबर पांच का नाम है, प्लस कोण इसका नाम जो होगा ई ओ ए, ये कोण छह का नाम है ई ओ ए बराबर 180। ये समीकरण नंबर हमारा दो बन जाएगा। अब हमें लिख देना है समीकरण नंबर एक और दो को जोड़ने पर, अब हम दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे तो हमें सभी कोण ये और ये प्लस करके लिख देना है। तो कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी प्लस कोण सी ओ डी प्लस कोण डी ओ ए डैश प्लस, इसके बाद इसके समीकरण के मान जोड़ेंगे, इसमें दिया है कोण ए डैश ओ ई प्लस कोण ई ओ ए बराबर 180 उसका दिया है और 180 इसका दिया है, ये जोड़ देंगे। इसमें अब हमें सिद्ध करने में ध्यान दिया जाता है कि कौन कौन से मान हमें निकालना है, तो कोण ए ओ बी ये हमें निकालना है प्लस कोण बी ओ सी प्लस कोण सी ओ डी प्लस, ये तो जो दो कोण बने हैं ये हमें चित्र में देखना है कि कहां पर बने हुए हैं। कोण डी ओ डी ओ ए डैश ये हमारा कोण चार है, और कोण ए डैश ओ ए ये कोण पांच है। ये चार और पांच मिला के ये कौन से कोण बना रहे हैं, अगर दोनों कोणों को हम इस तरह से देखेंगे तो ये हमारा जो कोण बन रहा है चार और पांच, ये मिला के हम अगर इस रेखा को हटा दें इस तरह से, तो जो ये कोण हमारा बनता है ये बनता है डी ओ ई। चार और पांच को हम बीच से ये रेखा हटा दें तो चार और पांच जोड़ देंगे तो पूरा कोण बन जाता है डी ओ ई। यही हमें करना है इसमें, कोण डी ओ ई, डी ओ ई प्लस कोण ई ओ ए बराबर 360, और यही हमें इसमें सिद्ध करना था। ये सवाल नंबर सिद्ध करने के लिए जो दिया गया था वो हमारा सवाल नंबर पूरा होगा, इस सवाल नंबर हमारा ये 11 पूरा होगा। इसके बाद आज की ये ऑनलाइन क्लास हम समाप्त करते हैं, धन्यवाद। हाँ देखिए, अब सवाल जो हमारे चल रहे हैं, यहाँ पर हमारे जो जिला हमीरपुर में एक हमारा केस संक्रमित पाया गया है, तो हमारी क्लासें लगभग 20 मई तक लगभग बंद रहेंगी, इसके बाद हम फिर शुरू करेंगे, और यहीं पे हम आज की क्लास समाप्त करते हैं। 20 मई के बाद हम फिर शुरू करेंगे, धन्यवाद।